नमस्कार दोस्तों, आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया है यामाहा i463 कीबोर्ड वाइब्रोफोन टोन। मैंने मॉडिफाई किया है, वही टोन मैं थोड़ा सा बजा के सुनाता हूँ, उसके बाद इसका पैरामीटर्स मैं बताता हूँ। हाँ तो सुनिए, i463 यामाहा वाइब्रोफोन टोन। तो सबसे पहले अब आ जाइए वॉइस बटन पर। यहाँ पर जो वॉइस बटन है, वॉइस बटन पे आ जाइए। वॉइस नंबर बटन को प्रेस करके आपको आना पड़ेगा। वाइब्स जो टोन है 189, उस टोन को लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन बटन है, उस बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। कैटेगरी प्लस, कैटेगरी माइनस। हम कैटेगरी माइनस से आएंगे सीधा और ट्रांसपोज जहाँ पर है ट्रांसपोज से आएंगे, ट्रांसपोज से शुरू करेंगे। ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज आया। ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज 00, ट्यूनिंग 440, वीवी रेंज 02, स्पीड पॉइंट मैंने नहीं लगाया, और इधर टच मैंने सॉफ्ट करके रखा है। आपका हिसाब से कर सकते हैं टच, इधर बढ़ा भी सकते हैं आप, घटा भी सकते हैं। और मास्टर वॉल्यूम मैंने रखा है 110, मास्टर ऑक्टेव 0, मास्टर पैन 064, मास्टर रिवर्ब 085, मास्टर कोरस 045, मास्टर अटैक 064, मास्टर रिलीज 115, मास्टर कट ऑफ 064, मास्टर रेजो 064। उसके बाद आएंगे सीधा 598 जो टोन है, उस टोन को लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डुअल बटन है, उस बटन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर शो करेगा डुअल बटन। उसके बाद कैटेगरी से आगे बढ़ेंगे, डी वॉल्यूम 060, डी ऑक्टेव +2, ये देखिए माइनस, ये +2, और इधर डी पेन 060, 064, डी रिवर्ब 085, डी कोरस 045, डी अटैक 064, डी रिलीज 115, डी कट ऑफ 064, डी रेजो 064, और सीधा इधर आएंगे हम रिवर्ब पे। रिवर्ब मैंने लगाया है, देखिए 05 नंबर जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को ऐसे लाना पड़ेगा 05। उसके बाद और इधर कुछ काम नहीं है। कोरस मैंने 1 रखा है, और मास्टर इक्वलाइजर मैंने बूस्ट रखा है 3 नंबर का। यही इसका पैरामीटर्स है, देखिए कितना अच्छा वाइब्रोफोन मिला है। तो आप भी घर पे ऐसे ट्राई कीजिए, आपका भी ऐसा बहुत अच्छा वाइब्रोफोन मिलेगा यामाहा i463 कीबोर्ड पर। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।